हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग से ये पुली कनेक्टेड है, इससे ये मास एम का ब्लॉक कनेक्टेड है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग यहाँ पर जो है फिक्स कर दी गई है। इसमें स्मॉल ऑसिलेशन ब्लॉक के लिए जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ब्लॉक को एक्स डायरेक्शन में नीचे डिस्प्लेस कर देंगे तो इसमें एक्स वाई टू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो पुली की जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी वो वी बाई टू होगी। इसलिए जब इसकी हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इसकी लीजिए और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बाई टू स्क्वायर लीजिए। यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है, इसलिए यहां पर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लीजिए और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लीजिए, इसकी जगह एक्स वाई टू रखें। यहां पर ध्यान दें, अगर वेलोसिटी यहां वी बाई टू है तो वी बाई टू इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, क्योंकि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है। इसलिए यहां पर जो है आई की वैल्यू पुट अप करें, ये टोटल एनर्जी निकालें और इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करें। यहां पर एक्सीलरेशन को जो है ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल करें तो टाइम पीरियड का ये फार्मूला आएगा। ओके स्टूडेंट्स।